उत्तर प्रदेश को मिला 80,000 कोटी निवेश उपहार। आज इन्वेस्टर समिट को उद्घाटन करिछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी देशर निवेश सबुठू बड़ हॉटस्पॉट हेबा पई जाउछि। ए अवसर यूपी निवेशक मानंकु स्वागत करिछन्ति प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश रे विभिन्न प्रकल्प रे निवेश करुछन्ति अदानी ग्रुप, बिरला ग्रुप एवं अनेक बड़ उद्योगपति, विशेष भाव डाटा सेंटर, कृषि क्षेत्र, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे निवेश कराजबा नै प्रस्तुति आरंभ होई सारिछि। एक ऐसा समय है जब हम अपने फैसलों को सिर्फ एक साल या पांच साल को देखते हुए सीमित नहीं रख सकते। भारत में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एक मजबूत और डाइवर्स वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए हर किसी का योगदान आवश्यक है। सरकार अपनी तरफ से निरंतर नीतियां बना रही हैं, पुरानी नीतियों में सुधार कर रही हैं। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। बीते समय में हमने हजारों कंप्लायंस खत्म किए हैं, पुराने कानूनों को समाप्त किया है। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है।